मेरे विद्यार्थियों बात करें अगर सेक्शन सी की, तो सेक्शन सी के लिए दो क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट है, एक है मैट्रिक्स मेथड और एक है लीनियर प्रोग्रामिंग में मैक्सिमा या मिनिमा कैलकुलेट करना, मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू कैलकुलेट करना। तो यहां से अगर इस सैंपल पेपर में देखें तो दोनों ही क्वेश्चन हमारे पास इस सैंपल पेपर में आए हुए हैं। तो हम बात कर रहे हैं सेक्शन सी की, सेक्शन सी जिसमें हमारे पास टू क्वेश्चंस होंगे और 6 मार्क्स के लिए होंगे, यानी कि सेक्शन सी हमारे पास 12 मार्क्स के लिए है। और यहां पे जो दोनों क्वेश्चन है उनके और में भी एक क्वेश्चन दिया होगा, यानी कि आप दोनों में से कोई भी एक कर सकते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 11 में भी दोनों में से कोई सा एक, और क्वेश्चन नंबर 12 में भी दोनों में से कोई भी आप एक उनमें से कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं, अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 11 की, तो क्वेश्चन नंबर 11 में हमें कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 11 यह है हमारा, शो दैट डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस बी माइनस सी टू ए टू बी बी माइनस सी माइनस ए टू बी टू सी सी माइनस ए माइनस बी दैट इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी इट्स होल क्यूब। तो हमें ये प्रूव करना है। तो ये हमारे पास एक्सरसाइज 4.2 से एक क्वेश्चन हो गया, इसमें हमें प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट, यानी कि डिटरमिनेंट की जो प्रॉपर्टीज है उनका यूज करके इसको सोल्व करना है, क्योंकि अगर विदाउट प्रॉपर्टी के सोल्व करोगे तो आपके लिए आंसर बना पाना बहुत मुश्किल होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम प्रॉपर्टी से ही सोल्व करते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट से ही सोल्व करते हैं। तो हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास डिटरमिनेंट ऑफ ए माइनस बी माइनस सी टू ए टू बी, यह है बी माइनस सी माइनस ए टू बी, एंड टू सी सी माइनस ए माइनस बी। अब आपको करना क्या है, जो डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टीज है वो अप्लाई करनी है, और जो ये राइट हैंड साइड है इसका कुछ ना कुछ पार्ट हमें कॉमन बाहर निकालना है, ताकि हमारा जो आंसर निकालना है वो आसान हो सके। और हम प्रयास करेंगे कि इसमें कहीं भी किन्हीं में दो पोजीशन पे, या R1 की दो पोजीशन पे या C1 की, या कहीं भी दो जीरो बन जाए, इससे हमारा जो आंसर है वो इजिली आ जाएगा। तो दो बातें आपको ध्यान रखनी है, एक तो कि आपको कुछ ना कुछ पार्ट कॉमन निकालना है जो राइट हैंड साइड में, ऐसा कुछ पार्ट कॉमन निकालना है, और दो जीरो बनाने का प्रयास करना है, या C1 में बन जाए, C1 में बन जाए, या R1 में बन जाए, या किसी भी रो या किसी भी कॉलम में बन जाए। तो अब आप देखें कि अगर मैं ये ऑपरेशन अप्लाई कर देता हूं, R1 अप्रोचेस टू R1 प्लस R2 प्लस R3, अगर मैं ये ऑपरेशन अप्लाई कर देता हूं, तो आप देखेंगे कि हमारे पास क्या चेंज आएगा। इस तरह के किसी भी ऑपरेशन से डिटरमिनेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, देखो ये R1, ये R2 और ये R3 चेंज होगा R1 में। फर्स्ट एलिमेंट को प्लस करेंगे तो ए माइनस बी माइनस सी टू बी और टू सी, देखो माइनस बी और प्लस के टू बी तो बी बन जाएगा, माइनस सी और प्लस के टू सी तो सी बन जाएगा, यानी कि यहां पे आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी। इनको भी आप ऐसे ही प्लस करोगे, देखो टू ए और माइनस ए तो ए आ जाएगा, बी हमारे पास है ही है, टू सी और माइनस सी तो प्लस का सी आ जाएगा, यहां पे देखो टू ए माइनस ए आ जाएगा, इसी तरह से टू बी माइनस बी तो प्लस का बी आ जाएगा और प्लस का सी हो जाएगा। नेक्स्ट ये टू बी बी माइनस सी माइनस ए टू बी, यहां पे टू सी सी माइनस ए माइनस बी। अब आप देखें कि जो राइट हैंड साइड में है उसका एक पार्ट हमारे पास कॉमन आ गया R1 में। अगर आप R1 को ध्यान से देखें तो हम लिख सकते हैं कि टेकिंग ए प्लस बी प्लस सी कॉमन फ्रॉम R1 से हम इसको कॉमन ले लेते हैं, तो हमारे पास
क्या हो जाएगा ये लेफ्ट हैंड साइड में ए प्लस बी प्लस सी, तो बाहर कॉमन आ जाएगा और अंदर आ जाएगा। देखो यहाँ पे वन वन और वन, ये टू बी बी माइनस सी माइनस ए, और ये टू बी टू सी और सी माइनस ए माइनस बी। तो देखो हमने जो पहली बात की थी उसमें कहा था कि आपको जो राइट हैंड साइड है उसका कुछ ना कुछ पार्ट कॉमन लेना है, जो कि हमारे पास आ गया, और कोशिश करनी है कि दो जीरो बन जाए। तो दो जीरो बनाने के लिए आप देखेंगे कि यहां देखो वन 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 है, तो हम ले लेते हैं सी वन अप्रोचेस टू सी वन माइनस सी टू, और सी टू अप्रोचेस टू सी टू माइनस सी थ्री। सी वन अप्रोचेस टू सी वन माइनस सी टू, और सी टू अप्रोचेस टू सी टू माइनस सी थ्री। तो इसमें से ये माइनस करेंगे तो जीरो, और इसमें से ये माइनस करेंगे तो भी जीरो, तो हमारे पास दो जीरो भी बन जाएंगे। तो अब आप देखेंगे, हम यहां पे लिख लेते हैं कि हमारे पास यहां लिख लेते हैं, इसको एक लाइन लगा लेते हैं यहां पे। अब हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड है वो हो जाएगा क्या, ए प्लस बी प्लस सी तो पहले ही है हमारे पास, दिस माइनस दिस जीरो, दिस माइनस दिस। देखो ध्यान से, इसमें से जब ये माइनस करेंगे तो बी प्लस बी रह जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ये भी माइनस माइनस प्लस हो गया, तो यहां पे हमें क्या मिल गया एक्चुअल में, ए प्लस बी प्लस सी। रिपीट कर रहा हूं, इसमें से जब ये माइनस करेंगे टू बी माइनस बी, तो बी रह गया, ये प्लस का सी हो गया, प्लस का ए हो गया, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी हो गया, और इसमें से ये माइनस किया तो ये भी जीरो हो गया। नेक्स्ट इस आर टू अप्रोच सी टू अप्रोचेस टू सी टू माइनस सी थ्री, तो इसमें से ये माइनस करेंगे तो जीरो, यहां से इसमें से ये माइनस करेंगे, ध्यान से देखो बी माइनस टू बी, तो माइनस का बी और माइनस का सी बी और माइनस का ए बी है, तो ये हो गए माइनस के ए माइनस के बी और माइनस के सी। इसमें से अगर माइनस कॉमन ले ले तो ए प्लस बी प्लस सी आ जाएगा। अब यहां पे आ जाओ, सी माइनस सी, सी प्लस का रह जाएगा और ये प्लस का ए हो जाएगा और प्लस का बी हो जाएगा, यानी कि यहां पे भी हमारे पास ए प्लस बी प्लस सी आ गया। ये हो गया वन, ये हमारे पास टू बी, और ये हमारे पास सी माइनस ए माइनस बी। तो यहां पे पहुंच गए, दो जीरो भी बन गए हमारे पास। अब देखेंगे दो जीरो और एक एक्स्ट्रा भी बनेगी, तो यहां से हमारे इन दो जीरो से काम चल जाएगा। लेकिन आप एक चीज और ध्यान रखें, जो आंसर है हमारा उसका वो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट हमें मिल गया। अगर हम सी वन में से टेकिंग सी वन में से ए प्लस बी प्लस सी कॉमन ले लें, C2 में से भी आ जाएगा, यहाँ पे माइनस वन आ जाएगा क्योंकि माइनस कॉमन है, तो ये भी ए प्लस बी प्लस सी बनेगा। तो हम लिखेंगे टेकिंग ए प्लस बी प्लस सी कॉमन फ्रॉम C1 एंड C2, C1 में से भी कॉमन ले लिया और C2 में से भी कॉमन ले लिया, तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास हो जाएगी ए प्लस बी प्लस सी। ये तो पहले ही था, एक इसमें से लिया और एक इसमें से लिया, तो ये क्यूब हो गया, दो और बार आ गई। तो यहां से जीरो वन जीरो जीरो, यहां पे माइनस वन वन वन, टू बी सी माइनस ए माइनस बी। अब इसको एक्सपेंड कर दो, दो जीरो तो बन गई हमारे पास, आंसर का पार्ट भी आ गया, यानी कि इससे हमें वन मिलेगा। अब हम लिख देते हैं कि एक्सपेंडिंग एक्सपेंडिंग अलोंग आर वन, आर वन के अलोंग एक्सपेंड कर दिया, तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास ये आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी इट्स ऑल क्यूब, और यहां से जीरो के लिए सारा कुछ जीरो हो जाएगा, माइनस जीरो के लिए भी सब कुछ जीरो बनेगा, और वन के लिए देख लेते हैं, वन के लिए यहां पे वन माइनस ये जीरो, तो आप देखेंगे यहां से तो वन ही मिला, तो वन मिला तो जब इसकी वन से वन मल्टीप्लाई करेंगे तो a प्लस बी प्लस सी इट्स ऑल क्यूब दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, और यही हमें प्रूव करना था, हेंस प्रूव, हेंस प्रूव। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। तो प्यारे बच्चों, यहां पे एक बात आपको ध्यान रखनी है कि इस तरह के जहां पे प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट का क्वेश्चन आता है, तो इसके लिए जो की फैक्टर है वो यही है कि कोई ना कोई प्रॉपर्टी अप्लाई करके आपको कुछ ना कुछ पार्ट कॉमन निकालना है, और कॉमन निकालने के बाद आपको दो जीरो बनाने का प्रयास करना है, चाहे वो आर वन में बन जाए, चाहे वो सी वन में बन जाए, या किसी भी रो या किसी भी कॉलम में बन जाए। अगर आप ऐसा कर लेते हो तो आप आंसर तक पहुंच जाओगे। ये दो बातें ही इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन का की फैक्टर है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, इसके और में भी एक क्वेश्चन दिया हुआ है, और इसके जो और में क्वेश्चन दिया हुआ है आपको पता ही है कि हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगभग हर साल जो एग्जाम में आता है वही क्वेश्चन है, मैट्रिक्स मेथड का क्वेश्चन इसके और में दिया हुआ है, एक बार देख लेते हैं उसको भी।
बच्चों ठीक इसी तरह से जो क्वेश्चन नंबर 11 है उसके जो और में क्वेश्चन आया हुआ है वो हमारा हमेशा के लिए जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होता है हर साल जो आता है, ये इस तरह का जो क्वेश्चन है मैट्रिक्स मेथड का जो क्वेश्चन है वो 100% श्योर है वो हर एग्जाम में आता है। तो आप इसके साथ लिख सकते हैं कि ये क्वेश्चन या इसके जैसा कोई जो क्वेश्चन है वो आपके फाइनल एग्जाम में 100% श्योर है, आना ही आना है ये। तो आप इसको देखो कैसे सोल्व करोगे। यहां पे लिखा हुआ है सोल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय मैट्रिक्स मेथड, मैट्रिक्स मेथड से इसको सोल्व करना है। तो ये हमारे पास 3 इक्वेशन गिवन है, 3x माइनस वाई माइनस 2y प्लस 3z इज इक्वल टू 8, 2x प्लस वाई माइनस जेड इज इक्वल टू 1 एंड 4x माइनस 3y प्लस 2z इज इक्वल टू 4। तो इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसको 2 और इसको 3 मान लेते हैं। तो अब हम क्या करते हैं इन इक्वेशन को कैसे लिख लेते हैं, तो हम लिखेंगे कि गिवन इक्वेशंस कैन बी रिटन एज कैसे ax दैट इज इक्वल टू b, इसको 4 मान लेते हैं। वेयर, अब यहां पे बता देंगे हम कि यहां पे a क्या है, ए मैट्रिक्स है हमारे पास जो जिनकी वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है, जिन वेरिएबल्स की क्या वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है उनके कोफिशियंट्स 3 माइनस 2 और 3 यहां पे इसमें 2 1 और माइनस 1 4 माइनस 3 और 2 ये बात आप ध्यान रखिए। मान लो यहां पे वाई नहीं है तो वाई के कोफिशियंट की जगह पे सेकेंड रो में सेकेंड एलिमेंट यानी कि यहां पे 0 आ जाएगा। मान लो इसमें जेड नहीं है तो थर्ड रो में यहां पे 0 आ जाएगा। इसके साथ साथ एक्स है हमारे पास, एक्स मैट्रिक्स यानी कि जो हमें वैल्यूज फाइंड करनी है, और जो बी मैट्रिक्स है वो राइट हैंड साइड में है हमारे पास 8 1 और 4। तो ये हमें हमारे पास आ गया मैट्रिक्स ए, मैट्रिक्स एक्स और मैट्रिक्स बी। अब हम क्या करते हैं डेटरमिनेंट निकालते हैं मैट्रिक्स ए का। तो डेटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए 3 माइनस 2 और 3, 2 1 और माइनस 1, 4 माइनस 3 और 2। इसका जब डेटरमिनेंट हम कैलकुलेट करेंगे तो देखते हैं कितना बनेगा। यहां पे हमारे पास ये 3 × 3 के लिए 2 और माइनस 3, क्योंकि 3 माइनस इकट्ठे हो जाएंगे 2, 2 तो ये है और एक हम माइनस लगाते हैं तो 2 माइनस 3, और यहां माइनस और ये माइनस 2 तो प्लस का 2 हो जाएगा, तो प्लस का 2 हो जाएगा तो ये हमारे पास हो जाएगा 4 और माइनस माइनस प्लस तो 4 प्लस 4, और प्लस 3 के लिए हमारे पास आ जाएगा माइनस के 6 और माइनस के 4, माइनस 6 माइनस 4। तो यहां पे हमारे पास कितना हुआ ये -1, तो इससे मिलेगा टोटल -3। यहां पे 8 से हमारे पास कितना आ जाएगा 16, और यहां से हमारे पास -10, -10 की 3 से करेंगे तो माइनस के 30 हो जाएंगे। तो यहां पे हमारे पास आ जाएंगे माइनस के 33 और प्लस के 16, तो माइनस के 17 बने हमारे पास ये। तो ये हो गया हमारे पास माइनस के 17 नॉट इक्वल टू 0, या फिर आप आगे लिख दो इसको कि डेटरमिनेंट ए दैट इज इक्वल टू -17 नॉट इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज ए इनवर्स एग्जिस्ट, इसका मतलब ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है। तो ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो आप ए इनवर्स कैसे निकालेंगे। तो ए इनवर्स होता है हमारे पास ए इनवर्स दैट इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाय डेटरमिनेंट ऑफ ए। अब देखो हमारे पास हमने डेटरमिनेंट तो निकाल लिया, अब हमें एडजॉइंट निकालने, तो एडजॉइंट निकालने के लिए हमें पहले कोफैक्टर्स निकालने पड़ेंगे। तो कोफैक्टर निकालते हैं a11 मींस कोफैक्टर ऑफ स्मॉल a11। तो यहां पे कितना आएगा -1 रेस्ट टू पावर 1 प्लस 1, ये तो आप यही लिख सकते हो जो ये लिखे हुए हैं डायरेक्ट अगर आपकी कैलकुलेशन ठीक है। तो 2 माइनस 3, तो यहां से -1 इससे तो प्लस ही मिलेगा तो ये टोटल हुआ -1। a12 -1 रेस्ट टू पावर 1 प्लस 2, ये वाला 4 प्लस 4 8, और इससे माइनस तो माइनस के 8 हो गया। a13 -1 रेस्ट टू पावर 1 प्लस 3, यहां पे -6 और -4 तो ये -10 क्योंकि इससे तो प्लस मिलेगा हमें। ठीक इसी तरह से a21 -1 रेस्ट टू पावर 2 प्लस 1, इसमें देख लेते हैं, इसमें देख लो आप इसको
इसमें देख लेते हैं, देखो इसको छोड़, इस रो और कॉलम को छोड़ दोगे आप, टू वन के लिए हम इसको इसको छोड़ देंगे, तो यहां से इसके इसके साथ माइनस फोर और इसके इसके साथ प्लस के नाइन, माइनस फोर प्लस नाइन, तो यहां से हमारे पास फाइव, लेकिन ये माइनस है तो माइनस के फाइव। देखो अगर पावर बनती है ओड, थ्री फाइव सेवन, तो माइनस आएगा, इससे माइनस वन मिलेगा, और अगर पावर का सम बनता है इवन, जैसे टू बनाए यहां पे फोर बनाए, तो उससे फिर हमें प्लस का वन मिलेगा। यानी कि अगर ओड पावर इनका सम ओड पावर बनता है तो माइनस, इससे हमें माइनस मिलेगा, यानी कि ये जो भी वैल्यू बनेगी उसका साइन चेंज हो जाएगा, और अगर ये इवन, इसका सम इवन बनता है तो इससे जो भी वैल्यू मिलेगी वही रहेगी, ये आपको ध्यान रखना है। ए टू टू माइनस वन रेस टू पावर टू प्लस टू, यानी कि यहां से देखो माइनस वन रेस टू पावर टू प्लस टू, माइनस वन रेस टू पावर टू, फोर हो गया, यानी कि इससे वन मिलेगा, वन की जिसके साथ मल्टीप्लाई करोगे वही आएगा, यानी कि जो यहाँ पे वैल्यू मिलेगी वही आएगा। अब टू टू के लिए इसको छोड़ देंगे हम, यहां से सिक्स और ये माइनस ट्वेल्व, तो ये सिक्स माइनस ट्वेल्व, सिक्स माइनस ट्वेल्व, सिक्स माइनस ट्वेल्व, यानी कि हमारे पास माइनस सिक्स आ जाएगा। ए टू थ्री माइनस वन रेस टू पावर टू प्लस थ्री, यहां पे हमारे पास टू थ्री, इसके लिए इसको छोड़ेंगे और इसको छोड़ देंगे, इसको छोड़ देंगे हम, यहाँ पे माइनस के नाइन और ये प्लस के एट हो जाएंगे, माइनस के नाइन और ये प्लस के एट, माइनस नाइन प्लस एट, यहां से माइनस वन मिलेगा, लेकिन इससे भी माइनस वन है तो ये प्लस का वन हो जाएगा। ठीक, इसी तरह से यहीं पे कर लेते हैं हम, चलो यहां कर लेते हैं। ए थ्री वन माइनस वन रेस टू पावर थ्री प्लस वन, तो थ्री प्लस वन के लिए हम इसको और इसको छोड़ देंगे, तो ये आ जाएगा टू, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, टू और माइनस थ्री, टू माइनस थ्री, तो ये माइनस वन है, ये पॉजिटिव है तो माइनस वन ही मिलेगा। ए थ्री टू माइनस वन रेस टू पावर थ्री प्लस टू, इसके लिए इसको छोड़ देंगे और इसको छोड़ देंगे, यहां पे हमें मिल गया माइनस थ्री और ये माइनस सिक्स, माइनस थ्री माइनस सिक्स, तो माइनस नाइन से प्लस का नाइन हो जाएगा। ए थ्री थ्री माइनस वन रेस टू पावर थ्री प्लस थ्री, तो ये यहां से इसके इसके साथ आ जाएगा थ्री और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्योंकि माइनस फोर बनेंगे तो थ्री प्लस फोर हो जाएगा ये, तो ये सेवन हो गए, ये पॉजिटिव है, हमारे पास सेवन ही आ गया, तो ये हमारे पास कोफैक्टर्स आ गए। अब हम लिखेंगे एडजॉइन, अब हम लिख सकते हैं कि एडजॉइन ऑफ ए, एडजॉइन ऑफ ए दैट इज इक्वल टू कोफैक्टर्स ए वन वन, ए वन टू, ए वन थ्री, ए टू वन, ए टू टू, ए टू थ्री, ए थ्री वन, ए थ्री टू, ए थ्री थ्री, इट्स ट्रांसपोज। तो वैल्यूज अब हम इसके अंदर रख देंगे, इसके अंदर जब हम वैल्यू रखेंगे तो यहां से ये हमारा सेक्शन सी चला हुआ है, यहां पे लिख देते हैं सेक्शन सी, तो यहां पे हमारे पास वैल्यूज अब रखेंगे तो ये है हमारे पास माइनस वन, माइनस एट और माइनस टेन, माइनस वन, माइनस एट, माइनस टेन, नेक्स्ट है हमारे पास माइनस फाइव, माइनस सिक्स और वन, नेक्स्ट है हमारे पास माइनस वन, माइनस वन, नाइन और सेवन, तो ये हमारे पास वैल्यूज आ गई। अब प्यारे बच्चों यहां पर स्टूडेंट क्या गलती करते हैं, ट्रांसपोज करना भूल जाते हैं, अब इसका ट्रांसपोज करना बाकी है, इसका ट्रांसपोज करेंगे, रो और कॉलम को इंटरचेंज कर देंगे, तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना देंगे माइनस वन, माइनस एट, माइनस टेन, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम माइनस फाइव, माइनस सिक्स और वन, नेक्स्ट है माइनस वन, नाइन और सेवन, तो ये हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए आ गया। दिस इंप्लाइज, अब हम लिखेंगे ए इनवर्स, ए इनवर्स इज क्या था, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाय डेटरमिनेंट ऑफ ए, डेटरमिनेंट ए हम आगे लिख देते हैं कितना है हमारा, तो ये हम वन डिवाइड बाय माइनस सेवनटीन, क्योंकि डिवाइड में देखो इसके डिवाइड में लिखेंगे तो अजीब सा लगेगा ना, तो इसको आगे लिख दिया और साथ में इसके लिख दिया एडजॉइंट, माइनस वन, माइनस फाइव, माइनस वन, माइनस एट, माइनस सिक्स, नाइन, माइनस टेन, वन और सेवन, तो अब ये हमारे पास क्या आ गया, ए इनवर्स आ गया। हमने क्या किया, इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दी, वन डिवाइड बाय डेटरमिनेंट ए आगे की तरफ लिख दिया और ये एडजॉइंट ऑफ ए लिखा, अब इनवर्स आ गया, तो अब इसको आगे सोल्व करेंगे हम, यानी कि अब हम क्या करेंगे, सोल्यूशन फाइंड करेंगे। नाउ सॉल्यूशन ऑफ,
सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 4 इज एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। तो इसका जो सॉल्यूशन है वो क्या हुआ, ए इनवर्स बी, प्री मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई कर दिया, ए इनवर्स ए कैंसिल होकर आइडेंटिटी आ गया, आइडेंटिटी भी एक्स के साथ करेंगे तो एक्स ही आ गया, यहां पे ए इनवर्स बी बन गया। तो ऐसे हो गई हमारे पास, अब एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स माइनस वन डिवाइड बाय 17 माइनस वन माइनस फाइव माइनस वन माइनस एट माइनस सिक्स नाइन माइनस टेन वन और सेवन और बी, बी है हमारे पास एट वन और फोर, ये आ गया हमारे पास। अब हम इसमें क्या करेंगे, इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे इधर से इस तरह से और इधर से इस तरह से, इसकी मल्टीप्लाई हम कर देते हैं। अब यहां से अब हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, अब देखो माइनस वन की और एट की करेंगे तो ये माइनस के एट हो जाएंगे, नेक्स्ट इधर से आगे चलेंगे तो इधर से भी आगे चलेंगे, माइनस वन और माइनस फाइव और वन की करेंगे तो माइनस के फाइव हो जाएंगे, और माइनस वन की और फोर की करेंगे तो ये माइनस के फोर हो जाएंगे। अब देखो फर्स्ट रो कंप्लीट होगी, अब सेकंड रो पे आएंगे तो यहाँ पे नीचे आ जाएंगे, इसकी स्क्वायर करेंगे तो माइनस एट की और एट की करेंगे तो माइनस के 64, माइनस सिक्स की और वन की करेंगे तो माइनस सिक्स, नाइन की और फोर की करेंगे तो प्लस के 36 आ जाएंगे हमारे पास। नेक्स्ट माइनस टेन की और एट की करेंगे तो माइनस 80 हो जाएगा, यहां से आगे चलेंगे वन की और वन की करेंगे तो प्लस का वन हो जाएगा, सेवन की और फोर की करेंगे तो 28 हो जाएगा। अब यहां से हमारे पास देखो हमें क्या मिला, एक हमने एक मिस्टेक कर दी छोटी सी कि ये तो साथ में ही चलेगा ना, माइनस वन बाई 17, ये वन वन आगे लिख दिया और माइनस 17 लिख दो या माइनस आगे लिख दो, एक ही बात है, यहां पे मुझे थोड़ा सा और एडजस्ट करना पड़ेगा, चलो मैं यहां लिख देता हूँ, एक ही बात आगे लिख लिया, यहां पे लिख दे एक ही बात है। अब यहां पे लिख लेते हैं माइनस वन डिवाइड बाय 17, अब देखो ये कितने बन गए हमारे पास, ये हो गए माइनस एट माइनस फाइव और माइनस फोर, तो ये माइनस के 17 हो गए। अब यहां से हमारे पास ये हो गए माइनस के 64 माइनस के 6 और प्लस के 36, तो प्लस के 30 रह जाएंगे, और देखो माइनस 6 और प्लस के 36 से प्लस के 30 और इसमें से 30 और माइनस कर देंगे तो ये माइनस के 34 आ गया। नेक्स्ट यहां पे प्लस के 29 है, अगर 30 होता तो ये 50 होता तो ये माइनस के 51 रहेंगे। अब देखो ये हमारे पास x था क्या हमारे पास, ये है एक्स वाई जेड, और जब मैं इस माइनस इसको अंदर लेके जाऊंगा तो देखो ये 17 से डिवाइड हो जाएंगे, माइनस है हमारे पास, माइनस भी है, माइनस अंदर चला गया तो प्लस के हो गए, और 17 से डिवाइड हुए हमारे पास ये, तो माइनस माइनस तो प्लस हो गया, 17 डिवाइड बाय 17, 34 डिवाइड बाय 17 और 51 डिवाइड बाय 17, तो ये हमारे पास कैंसल हो गया, आ गया 1, 2 और 3, ये माइनस सबके लिए प्लस हो गया और ये 17 से डिवाइड हो गया। This implies x is equal to 1, y is equal to 2 और z is equal to 3. तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। अब प्यारे बच्चों ये एक 6 मार्क्स का क्वेश्चन है और इसमें गलती की काफी गुंजाइश रहती है, कहीं भी आपके कोई साइन में मिस्टेक होगी तो सारा क्वेश्चन आपका मतलब आप आंसर आपका मैच नहीं हो पाएगा, आपका एक या दो अंक कट जाएगा उसमें, तो आपको ध्यान रखना है कि इसकी वेरिफिकेशन कर ले, वेरिफिकेशन ये आप रफ वर्क में करना चाहते हो जहां भी आप रफ वर्क कर रहे हो वहां पे कर सकते हो, और अगर मेन पे जहां पे आपने ये क्वेश्चन किया जैसे मैं ये कर रहा हूं ठीक इसी तरह से करना चाहो तो ये भी कर सकते हो, इसमें भी कोई बुराई नहीं है। हमने लिखी कोई भी एक इक्वेशन उनमें से लिख लो, कोई भी एक हमने लिख लिया 3x फर्स्ट ही ले लिया हमने, -2y प्लस 3z दैट इज इक्वल टू 8, और इसमें ये वैल्यू पुट करके देख लो ट्रू होना चाहिए, एक्स की जगह पे 1 पुट किया तो 3 बने, y की जगह पे 2 पुट किया 2 की 2 के साथ तो -4, z की जगह पे 3 पुट किया तो ये प्लस के 9 दैट इज इक्वल टू 8, 3 और 9 12 -4 8 इज इक्वल टू 8 ट्रू, तो इसका मतलब जो ये हमारा आंसर है वो बिल्कुल सही है। तो इस तरह से आपको वेरिफिकेशन जरूर करनी है, आप इनमें से कोई सी भी एक इक्वेशन ले सकते हैं, आप रफ वर्क में करें या फिर जहां पे आपने क्वेश्चन किया वहां पे भी आप कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये हमने सोल्व कर लिया मैट्रिक्स मेथड से क्वेश्चन को, हमारा जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 11 के दोनों पार्ट
कंप्लीट हो जाते हैं। चलिए बच्चों ठीक, इसी तरह से अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 12 की, तो ये भी हमारा मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। हमें पता है कि यहां से इस टाइप का ही क्वेश्चन आता है, तो बिल्कुल सेम सैंपल पेपर में भी ऐसा ही दिया हुआ है। क्वेश्चन है हमारे पास कि मैक्सिमाइज जेड इज इक्वल टू 7x + 6y सब्जेक्टेड टू द कॉन्स्टेंट्स। कंडीशन दी हुई है x + 2y इज लेस देन इक्वल टू 50, 2x + y इज लेस देन इक्वल टू 40, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो मैक्सिमाइज मीन्स हमें इसकी मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है फंक्शन की। तो इसके सोल्यूशन की अगर हम बात करें, तो यहां पे हमारे पास गिवन जो फंक्शन है हमारा वो है जेड इज इक्वल टू 7x + 6y। तो ये हमारे पास फंक्शन है 7x + 6y, और कंडीशंस गिवन है x + 2y इज लेस देन इक्वल टू 50, इसको हम 1 मान लेते हैं। ठीक इसी तरह से 2x + y इज लेस देन इक्वल टू 40, इसको हम 2 मान लेते हैं। नेक्स्ट x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 3, और y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 4। तो सबसे पहले हमें इसका ग्राफ प्लॉट करना पड़ेगा इन इक्वेशंस के कोरिस्पोंडिंग, इन कंडीशंस के, इन कॉन्स्टेंट्स के कोरिस्पोंडिंग हमें क्या करना पड़ेगा, ग्राफ प्लॉट करना पड़ेगा, और फिर उसके बाद कॉर्नर पॉइंट मेथड से इसका मैक्सिमाइज या मिनिमाइज हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो प्यारे बच्चों आप अगर देखें इसको, तो यहां से इसका ग्राफ बनाने के लिए हम पहले इसको सिंपल इक्वेशन में कन्वर्ट कर लेते हैं। यहां पे हम लिख देते हैं x + 2y इज इक्वल टू 50, इसी तरह से यहां पे 2x + y इज इक्वल टू 40, और यहां देखो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। तो इसका जो मीनिंग है, यानी कि आपका जो फिजिबल रीजन होगा, वो कहां आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर आएगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट हमेशा x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसका मीनिंग है जो आपका फिजिबल रीजन होगा, जो कॉमन रीजन होगा, वो कहां आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। अब ये तो पता चल गया कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, इन कंडीशंस की वजह से वो और कम हो जाएगा जो फिजिबल रीजन है। अब देखते हैं इसमें, यहां पे हमें पॉइंट्स कैलकुलेट करने हैं, तो पॉइंट्स के लिए हम क्या करते हैं, एक बार x को 0 मान लेते हैं। व्हेन x इज इक्वल टू 0, तो यहां पे 2y इज इक्वल टू 50, तो यहां से जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो y इज इक्वल टू 50/2, यानी कि 25 आ जाएगा। तो पॉइंट आ गया हमारे पास 0 और 25। ठीक इसी तरह से व्हेन y इज इक्वल टू 0, y 0 रखेंगे तो x इज इक्वल टू 50 आ जाएगा। तो यहां पे पॉइंट आ गया 50 और 0, ध्यान रखें 0 50 मत लिख देना, ये y है तो y कोऑर्डिनेट पे ही आएगा, x पहले आएगा फिर y आएगा। तो दो ही पॉइंट चाहिए होते हैं हमें किसी भी लाइन को प्लॉट करने के लिए, वो हमें मिल गए हैं। ठीक इसी तरह से हम इसको भी अगर सोल्व करें, तो इसके लिए देख लेते हैं इसके लिए हमें क्या मिलेगा। यहां पे भी हम लिख देते हैं कि व्हेन x इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू 40 मिल गया हमें सीधा ही, तो 0 और 40 हमें पॉइंट मिल गया। ठीक इसी तरह से व्हेन y इज इक्वल टू 0, तो हमें मिल जाएगा 2x इज इक्वल टू 40 और x इज इक्वल टू 20, तो यहां पे हमें पॉइंट मिल जाएगा 20 और 0, पहले x का और फिर y का। तो हमें इसको प्लॉट करने के लिए दो दो पॉइंट ही चाहिए थे, वो हमें मिल गए हैं। अब आप देखिए इसका प्लॉट अगर हम बनाते हैं, कंस्ट्रक्शन इसका ग्राफ बनाने के लिए हम देखो क्या करते हैं। अब आप देखेंगे हमारे पास जो पॉइंट्स है 0, 25, 50, 40, 20 है, तो आपकी मर्जी आप स्केल किस तरह से लेते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि 10 का स्केल ले लेना चाहिए और उसमें फिर हम बीच में हमारा 5 आ जाएगा, तो हम स्केल ले लेते हैं 10 का। तो यहां से हम ले लेते हैं 10, 20, 30, 40 और ये 50, यहां पे x हो गया, ये x डैश हो गया, -10, -20, -30, -40 और -50। यहां पे 10, 20, 30, 40 और 50, यहां पे -10, -20, -30, -40 और -50। तो अब हम इसके लिए प्लॉट करके देखते हैं कि हमें इससे क्या मिलेगा। x0 y 25 यहां पे होगा 20 और 30 के बीच में, x50 y0 ये हो गया हमारे पास। तो हम इसको इसके साथ मिला देते हैं,
यहां से हम इसको मिला देते हैं और आप इस पे क्या करें, वन लिख दे, इस पे हम लिख देते हैं वन। आप स्केल के साथ कर लें इसको, थोड़ा सा ज्यादा बेटर रहेगा। अब ठीक इसी तरह से हम इसके लिए करते हैं, इसमें हमारे पास x कितना है, x जीरो है तो y 40 है, यहाँ पे ये पॉइंट है हमारे पास, और x 20 है तो y जीरो है, x 20 है तो y जीरो है। तो अब इसको भी हम यहाँ पे इस तरह से मिला देते हैं और इस पे हम लिख देते हैं टू, इस पे हम टू लिख देते हैं। अब प्यारे बच्चों आपको ध्यान रखना है कि जो इन इक्वेशन है ये हाफ प्लेन भी बोल देते हैं। अब इनका जो रीजन होगा या तो नीचे की तरफ होगा या ऊपर की तरफ होगा। इसको चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको चेक करने के लिए कोई भी एक पॉइंट ले लो आप इनके लिए, जैसे इसका रीजन वन का जो ये रीजन है नीचे की तरफ होगा या ऊपर की तरफ होगा, और इसी तरह से टू के लिए जो रीजन है इधर का होगा या इधर का होगा, तो उसके लिए हम क्या करते हैं कोई भी एक पॉइंट ले लेते हैं। तो अगर ये ओरिजिन से पास नहीं रही कर रही है तो ओरिजिन सबसे बेस्ट पॉइंट होता है, कैलकुलेशन इजी होती है। तो हम इसको देखो चेक करते हैं, चेकिंग फॉर ओरिजिन, चेकिंग फॉर ओरिजिन यानी कि जीरो जीरो। देखो कॉन्स्टेंट्स है हमारे पास x प्लस टू वाई इज लेस देन इक्वल टू 50, तो जीरो प्लस जीरो इज लेस देन इक्वल टू 50, जीरो इज लेस देन इक्वल टू 50 ट्रू, तो ये हमारे पास ट्रू हो गया। सो यहां से हम लिख सकते हैं, आप लिखना चाहो तो लिख सकते हैं, सो द ग्राफ, ग्राफ ऑफ इन इक्वेशन कंटेन ओरिजिन या फिर जीरो जीरो, तो इसका जो ग्राफ है वो जीरो जीरो को कंटेन करेगा। अब देखो फर्स्ट के लिए हमने बात की है और यहां से हमें पता चल गया था कि हमारा जो फिजिबल रीजन है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही हो सकता है, क्योंकि इसका मीनिंग फर्स्ट क्वाड्रेंट है। इसने फर्स्ट क्वाड्रेंट में जीरो जीरो को कंटेन करेगा, जीरो जीरो को कंटेन करेगा तो यहां कहां पे होगा, ये नीचे की तरफ होगा, जीरो जीरो की तरफ होगा, तो जीरो जीरो की तरफ होगा, तो देखो ये सारा कट गया। अब हमें ये ट्रायंगल मिल गई, हमें ये ट्रायंगल मिल गई फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर, ये हमें ट्रायंगल मिल गई। अब जो सेकेंड कंडीशन है उसके लिए कुछ ना कुछ और कम हो जाएगा। अब सेकेंड कंडीशन के लिए चेक करो, सेकेंड कंडीशन के लिए भी इसी तरह से जीरो जीरो के लिए चेक कर लेते हैं। ये है हमारे पास जीरो जीरो के लिए, जब चेक करेंगे एक्स की जगह पे जीरो, वाई की जगह पे जीरो इज लेस देन इक्वल टू 40, जीरो इज लेस देन इक्वल टू 40, तो ये भी क्या हुआ, ट्रू हुआ। ऐसे लिख देंगे द ग्राफ ऑफ द इन इक्वेशन कंटेन जीरो जीरो। अब इस ये भी जीरो जीरो को कंटेन करता तो इधर की तरफ होगा, तो इसके लिए भी हम लगा देते हैं कि ये इस तरह से होगा, जीरो जीरो की तरफ होगा। अब आप ध्यान से देखें कि ये जो ट्रायंगल थी जीरो जीरो की तरफ होगा, तो हमारे पास ये रीजन बच गया, ये आ गया हमारे पास रीजन, क्योंकि इस ट्रायंगल में से कुछ ना कुछ और कम हो रहा था, तो ये हमारे पास रीजन रह गया। तो इसका नाम आप रखना चाहें तो नाम रख दें इसका, तो यहां पे हम इसका नाम रख देते हैं, यहां तो ये तो ओरिजिन है ही है, ओ ये हम ए लिख देते हैं, ये हम बी लिख देते हैं और ये सी लिख देते हैं। तो अब यहां पे हम लिख देते हैं कि शेडेड रीजन, शेडेड रीजन कौन सा, ओ ए बी सी इज द रिक्वायर्ड, इज द रिक्वायर्ड फिजिबल रीजन, फिजिबल रीजन यानी कि इसी में हमें मैक्सिमा या मिनिमा जो भी हमें चाहिए वो मिलेगा। तो अब आप देखेंगे कि पॉइंट देखो क्या है हमारे पास, तो पॉइंट हमारे पास ओ पॉइंट तो हमें पता है क्या है, जीरो जीरो है, ए पॉइंट हमने खुद ही प्लॉट किया है 20 जीरो है, सी पॉइंट भी हमने खुद ही प्लॉट किया है ये 0 25 है, बी का नहीं पता हमें, तो बी पॉइंट हमें फाइंड करना पड़ेगा। तो पहले हम बी पॉइंट फाइंड कर लेते हैं, टू फाइंड पॉइंट बी, पॉइंट बी, पॉइंट बी हम पहले फाइंड करेंगे। तो पॉइंट बी फाइंड करने के लिए हमें क्या करना है, दोनों इक्वेशन को आप उसमें सोल्व कर देंगे जैसे 10th क्लास में सोल्व करते थे, तो उस तरह से हम फाइंड कर देंगे। तो यहां पे हमारे पास एक इक्वेशन है x प्लस टू वाई इज इक्वल टू 40, सॉरी 50 है फर्स्ट, x प्लस टू वाई इज इक्वल टू 50, ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन ले लेते हैं, और दूसरी है हमारे पास 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 40, x प्लस टू वाई इज इक्वल टू 50 एंड 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 40, तो इसको
वन और टू हमने इसको नाम दिया, तो इसको थ्री और फोर नाम दे दें, तो इसको हम क्या करते हैं, इसको हम टू से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा टू एक्स प्लस फोर वाई इज इक्वल टू हंड्रेड। इसको हमने टू से मल्टीप्लाई कर दिया। अब आप देखो साइन चेंज कर लो इनके, तो ये कैंसिल हो जाएगा। यहां पे हमारे पास माइनस थ्री वाई इज इक्वल टू माइनस सिक्सटी, माइनस कैंसिल कर देते हैं, वाई इज इक्वल टू सिक्सटी डिवाइड बाई थ्री, ट्वेंटी आ जाएगा, तो वाई की वैल्यू आ गई हमारे पास ट्वेंटी। तो वाई की वैल्यू पुट कर दो फर्स्ट थर्ड में, एक्स प्लस टू वाई इज इक्वल टू हमारे पास फिफ्टी है, तो ये एक्स प्लस टू इंटू ट्वेंटी दैट इज इक्वल टू फिफ्टी, तो एक्स प्लस फोर्टी इज इक्वल टू फिफ्टी, और एक्स इज इक्वल टू फिफ्टी माइनस फोर्टी, तो एक्स इज इक्वल टू टेन, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास टेन। अब देखो हमारे पास सारे पॉइंट आ गए, अब इन पॉइंट्स पे हमें जेड की वैल्यू निकालनी है, जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी वही हमारा मैक्सिमा होगा, जो सबसे छोटी वैल्यू होगी वही हमारा मिनिमम होगा। अब देखो हम पॉइंट लिख लेते हैं, पहले तो यहाँ पे जेड लिख दो, सबसे पहले तो हम जेड ही लिख देते हैं कि जेड हमारे पास कितना है, जेड है हमारे पास सेवन एक्स प्लस सिक्स वाई, और पॉइंट है हमारे पास पॉइंट ओ पॉइंट है हमारे पास, ओ पॉइंट इज जीरो जीरो ओ, यहाँ पे हम क्या करते हैं ओ जीरो जीरो, इसी तरह से ए, ए पॉइंट है हमारे पास ट्वेंटी और जीरो, इसी तरह से बी पॉइंट है हमारे पास, एक्स तो टेन है, एक्स टेन है और वाई ट्वेंटी है, और सी पॉइंट है हमारे पास, सी पॉइंट हमने कुछ लगाया था, ये जीरो और ट्वेंटी फाइव है, जीरो और ट्वेंटी फाइव है। तो हम लिखेंगे कि एट पॉइंट, यहां पे एट एट पॉइंट दिस जेड की वैल्यू, जेड इज ये जीरो प्लस जीरो, ये तो जीरो ही रहा, यहां पे ए पे जेड कितना होगा, ट्वेंटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेवन इंटू ट्वेंटी वन फोर्टी, सिक्स इंटू जीरो जीरो, तो ये वन फोर्टी आ गया। बी पे जेड कितना आ जाएगा, टेन से ये हमारा सेवेंटी हो गया, और ये हमारा जब ट्वेंटी रखेंगे तो ये वन ट्वेंटी हो गया, तो ये वन नाइनटी हो जाएगा हमारे पास, एक्स की जगह पे टेन रखा तो ये हमारे पास सेवेंटी हो गया, और y की जगह पे 20 रखा तो ये 120, यानी कि टोटल हमारे पास 190। z यहाँ पे ये तो जीरो होगा, और 25 की और 6 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 150 हो जाएगा, तो ये टोटल आ गया 150। अब हमसे पूछा गया है मैक्सिमाइज, मैक्सिमाइज यानी कि मैक्सिमम वैल्यू देख लो आप क्या है इसकी, तो मैक्सिमम वैल्यू 0, 140, 190, 150, तो ये हमें मिली है मैक्सिमम वैल्यू, तो हम लिख देंगे कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जेड दैट इज इक्वल टू कितनी 190 एट एक्स इज इक्वल टू 10 एंड वाई इज इक्वल टू 20। तो मेरे बच्चों ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। तो इस तरह का एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा, तो इसकी जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करो उतना ही आपके लिए बढ़िया रहेगा। तो ये हमारे पास ए, जो हमारे पास 12 का ए पार्ट है, यानी कि ए पार्ट मीन्स यहाँ पे हम अगर दो पार्ट मान लें और भी है, दोनों में से आपको कोई भी एक करना है इसमें से, तो हमने ये फर्स्ट पार्ट किया है। ठीक इसी तरह से सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में कोई ज्यादा सा चेंज नहीं है, यहाँ पे कहा गया है कि जेड आपके पास 3x प्लस 5y, 3xy, 3x प्लस 5y सब्जेक्टेड टू द कॉन्स्टेंट्स x प्लस 3y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, x प्लस y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो कोई ज्यादा सा चेंज नहीं है, सेम हमारे पास क्वेश्चन है, कोई ज्यादा सा हमारे पास चेंज नहीं है, तो इस क्वेश्चन को आप करेंगे और इसको सोल्व करके कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर जरूर लिखेंगे। तो प्यारे बच्चों यहां पे हमारे पास जो सेक्शन सी पार्ट है, हमारे पास जो सब्जेक्टिव टाइप पेपर है जिसको पार्ट वन पेपर बोला गया है, उसका जो सी पार्ट है यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। तो इस तरह से हमारा जो पार्ट ए है पेपर का, सब्जेक्टिव जो पेपर है, सैंपल पेपर में जो क्वेश्चन थे वो हमारे कंप्लीट हो जाते हैं। यहाँ पे एक बात नोट करने वाली है कि बोर्ड ने ये सैंपल पेपर जारी किया है स्टूडेंट की हेल्प के लिए, तो ये इसमें जो क्वेश्चन है, अगर हम पिछले साल के पेपर भी देखें, हम बोर्ड के पेपर देखें पीछे जितने भी आए हुए हैं,
जो वहां पे क्वेश्चन आए हुए हैं, जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन थे, जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, वही सारे क्वेश्चन यहाँ पे रिपीट हुए हैं। यानी कि आपके एग्जाम में से इसमें से बहुत कुछ आने वाला है, तो आप इस क्वेश्चन पेपर की तैयारी जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।